बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है, कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन में आग लगने की खबर है। खाने के स्टॉल में आग लगने से वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 की घटना बताई जा रही है और सूचना पाकर आरपीएफ मौके पर जा पहुंची। इस वक्त की खबर है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेशन पर आग लगी है। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आग लगी और आग लगने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू करके जल रहा है और वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। फोन लाइन पर है हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी। रतीश, आग भयावह लगी दिखाई देती है स्टेशन पर और ये भी देखा जा रहा है कि लोग बाल्टी लेकर या जिससे जो बन पड़ रहा है उस चीज को लेकर इस आग को काबू करने में जुटे हैं, लेकिन ताजा स्थिति क्या है वहां पर? बिल्कुल, देखिए सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 का ये मामला है जहां पर गोयल कंपनी के स्टॉल में आग लगी है। जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर खाने पीने की चीजें रहती हैं, लेकिन इन स्टॉल्स के ठीक ऊपर से जो वायर्स होते हैं वो जाते हैं खुले हुए तार पे और उसी को शॉर्ट सर्किट को वजह बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो नीचे स्टॉल था, खाने पीने की सामान रखा था, वहां पर यह आग लगी और उसके बाद काफी तेजी से भड़की है। लेकिन क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का मामला है, स्टेशन के अंदर का मामला है, इसलिए तुरंत आरपीएफ और जो कंसर्न विभाग के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो मौके पर पहुंचे और इस आग को काबू करने की पूरी कोशिश की गई है और आग को बुझा लिया गया है। लेकिन समय रहते आग को बुझा लिया गया वरना काफी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर काफी वायर होते हैं, खुले हुए वायर होते हैं और काफी वायरिंग होती है जिससे आग और ज्यादा भयावह रूप ले सकती थी। जी बहुत धन्यवाद आपका रतीश। आप कह रहे हैं आग को काबू कर लिया गया है, बिल्कुल अगर ये थोड़ी देर और अगर ऐसी स्थिति रहती तो ये और ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती थी। फिलहाल खबर ये है कि इसे काबू कर लिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका रतीश इन तमाम जानकारियों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।